नमस्ते, मेरा नाम रोशनी यादव है और मेरा एसएससी के थ्रू एसएसए फोर्स में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी ओपी जायसवाल सर, जो कि निशुल्क सुविधाएं निशुल्क ट्रेनिंग से देते हैं, उनके यहाँ करी थी। मैंने अपनी सबसे पहले तैयारी एमपी पुलिस से स्टार्ट करी थी। वहाँ 2016 में जब मैंने पहली बार परीक्षा पास करी तब मैं फिजिकल में रह गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि ओपी सर निशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, तब मैं सर के यहाँ आई। मैंने सर के यहाँ देखा, सर बहुत अच्छे से एक एक बच्चे को गाइड करते हैं, एक एक बच्चे को मार्गदर्शन करते हैं, हर बच्चे पे फोकस करते हैं कि कोई बच्चे में किस कमी की वजह से वो रह गया है। मेरे में भी बहुत सारी कमियां थी क्योंकि मैं कभी मतलब फिजिकल एक्टिविटी में रही नहीं, पर सर ने मुझे मतलब हर मेरी गलतियों को बताया, मुझे मार्गदर्शन किया और फिर 2017 में मेरा फाइनल सिलेक्शन एमपी पुलिस में हो गया था। लेकिन उस वक्त भी कुछ विडंबनाएं रही, जैसे कि मैं मेरिट में रह गई थी, तब मेरे साथ वाले सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया था। मैं हताश हो गई थी कि मेरा क्यों नहीं हुआ और मैं 0.3 से रह गई थी उस वक्त। लेकिन तब फिर से ओपी सर ने मुझे कहा कि ठीक है, जाने दो, जो हुआ उसे भूल के हम आगे की तैयारी करते हैं। इसी तरह सर ने मेरे को हर वक्त, जब जब मैं डीमोरलाइज हुई या जब जब मैं बहुत हताश हुई कि यार मुझसे नहीं होगा, तब सर ने मेरा मार्गदर्शन किया। उसके बाद आरपीएफ की भर्ती निकली, जब भी मैंने दिया और मैं पास हो गई, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ कमी मुझ में रही गई थी, तब मेरा नहीं हुआ। लेकिन आज मेरा फाइनल पैरामिलिट्री फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में 18 पोस्ट थी जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, और इसका पूरा क्रेडिट मैं ओपी सर को देना चाहती हूँ। क्योंकि हम पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली फिट होना, फिजिकली हमें ट्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ठीक है, हम अपनी लाइफ में हर गुरु से कुछ ना कुछ शिक्षा लेते हैं और हमें उनसे अपने जीवन में अनुसरण भी करना चाहिए। मुझे भी मेरे फोर्स में आने के लिए सबसे पहले माता पिता का सपोर्ट रहा। माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया कि आप फोर्स में जाइए, आप क्योंकि माता पिता चाहते थे कि वो देश प्रेम की जो भावना थी कि देश मेरे अंदर थी, मेरे माता पिता ने कहा कि ठीक है आप जाइए। मेरे माता पिता मुझे आगे बढ़ाया। उसके बाद मेरे गुरु ओपी सर, वो तो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि हम अपना सपना तो देख लेते हैं लेकिन उस सपने तक, हमारी मंजिल तक हमें पहुँचाने वाले हमारे जो गुरु होते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है या हम किसी चीज़ से गलत वे में चले जाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर का पूरा आशीर्वाद रहा कि मुझे मेरे इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने अच्छे गुरु मिले जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे फाइनल मेरे उस मंजिल तक पहुँचाया जहाँ मैं जाना चाहती थी। मैं आप सबसे सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि जो भी लड़की ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो आप ये मत सोचो, हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम कुछ सोच सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। रही बात फिजिकल की, तो मैंने कभी नहीं फिजिकल एक्टिविटी में रही, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन आज जब मैं 1600 मीटर दौड़ में निकाल सकती, जहां हमारी स्टेट की कोई भी वैकेंसी में हम 800 मीटर दौड़ रहते हैं, वहां सेंट्रल की इसमें हमें 1600 दौड़ना होता है, ये मेरे लिए बिल्कुल डबल चैलेंज था। मुझे हर वक्त सर का मार्गदर्शन मिला। जब जब मैं को ये लगा कि मतलब बहुत मुश्किल है, तब तब सर ने मुझे कहा कि नहीं, मतलब मेरी लड़कियां नहीं हो तुम, मेरी शेरनियां हो तुम, और इस तरीके से हर वक्त मुझे मोटिवेट करा, मुझे ग्रुप का कैप्टन बनाया ताकि मैं अब मेरा मनोबल और बढ़े। और हमारे ग्रुप में अगर कोई अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो सर उसका समय समय पर मनोबल बढ़ाते हैं, उनसे पुरस्कृत करते हैं। इसी तरह किसी भी, ऐसा नहीं है कि इतने सारे बच्चे हैं तो सर ध्यान नहीं देते, सर एक एक बच्चे पे इंडिविजुअली ध्यान देते हैं। और हर बच्चे को सर के यहाँ अगर कोई आया तो मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर सर के यहाँ आया तो वो डेफिनेटली जॉब में जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतना अच्छा मुझे मार्गदर्शन मिला है और यहाँ एक परिवार की तरह मिला। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक प्रोफेशनल टीचर है जिसे कोई मतलब नहीं बच्चे से, यहाँ आप आओगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक फैमिली, एक परिवार की तरह है। और सर तो बिल्कुल हर एक बच्चे को अपनी बेटी की तरह रखते हैं, बेटी की तरह समझाते हैं, उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। और मैं सभी माता पिता से अनुरोध करूंगी कि आप आपकी बेटियों को आगे बढ़ाएं। आप ये ना सोचें कि फोर्स में लड़कियां नहीं जाती है, मैं यहाँ पे किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी कि लड़कों से बेहतर लड़कियां कर सकती है। और आप
मैं आलोचना नहीं करी, आप कोई भी लोग मेरी बात को एनीवे मत लेना, लेकिन लड़कियां कितनी महान है, नारी शक्ति महान है तो जगत जानता है। उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा। हर माता पिता से अनुरोध करती हूँ, आप खुद सोचेंगे कि हम डिफेंस या फोर्स या इस तरीके से किसी भी पुलिस की जॉब में जाते हैं, तो ऐसा करने से हम हमारे देश की भी सेवा कर रहे हैं, हमारे माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं। और आज के समाज में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, जो कि हम देखते हैं कितना उनके ऊपर अत्याचार, ऐसे में यदि हम महिला होके हम उनकी पीड़ा नहीं समझेंगे, हम उनको न्याय नहीं दिलाएंगे, तो कौन आगे आएगा? इसलिए हमें आगे आना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम महिलाएं अगर जाते हैं तो हम उन महिलाओं को न्याय दिला सके जो आज किसी ना किसी तरीके से जिन्हें न्याय की जरूरत है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब भी डिफेंस की तरफ आए, और बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं। अपने माँ बाप की करेंगे, आपके देश की सेवा करेंगे, आप अपने उन समाज में उन महिलाओं के प्रति सेवा का भाव रखेंगे जिनको हमारी जरूरत है। तो हमें ये समझना होगा, और कोई ये ना समझे कि हम ये नहीं कर सकते। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी ने सोचा है कि मुझे ये करना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपको एक सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और जैसा मुझे मार्गदर्शन मिला है, मैं चाहूँगी कि मेरी तरह वो लड़कियाँ, वो बेटियाँ जो अपने देश की सेवा करना चाहती, वो आगे आए, आपकी पढ़ाई भी करे। और आपको जब भी फिजिकल की आए तो आप बिल्कुल ऑफिसर के यहाँ आइए, आपको ऑफिसर इतना अच्छा मार्गदर्शन करेंगे कि आपने जो ड्रीम देखा आप उस ड्रीम तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो इसी में मैं अंत करते हुए यही कहूंगी कि बस ऑफिसर और मेरे माता पिता और जो गुरुओं ने मुझे पढ़ाया, उन सब का मेरे इस सक्सेस के पीछे बराबर का योगदान है। और आप सब भी आगे आइए, अपने देश की सेवा करिए, और आप बिल्कुल फिजिकल के लिए ये ना सोचिए कि मैं नहीं कर सकती, आप बिल्कुल बेफिक्र होके हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए। यहाँ आके आप फिजिकली फिट भी होगे और आप फिजिकली पास भी होगे आपके किसी भी एग्जाम में। तो जय हिंद, जय भारत।